Hello everyone, today we will discuss the exercise 1.1 of class 8 and question number 8 of this exercise. According to this question, is 8 by 9 the multiplicative inverse of minus 1, 1 by 8? Why or why not? हमें इसमें बताना है कि 8 by 9 जो है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट दिस. सबसे पहले हम ये जो नंबर लिखा गया है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं. 8 प्लस 1 9 माइनस 9 बाई 8. ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये 8 बाय 9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं. ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमें इस नंबर को अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमारा प्रोडक्ट 1 आना चाहिए. अगर 1 आता है तो ये नंबर जो होगा वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अगर 1 नहीं आएगा तो वो नहीं होगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. हम माइनस 9 बाई 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बाय 9 से, और ये चेक करना है हमें कि इसका प्रोडक्ट 1 आता है या नहीं. 8 से 8 1 टाइम, 9 से 9 1 टाइम, लेकिन ये माइनस में, सो माइनस 1. तो माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1. तो जब हमने माइनस 9 बाई 8 से 8 बाय 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस 1. लेकिन अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 1. तो 8 बाय 9 जो है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है. व्हाई नॉट, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1. ओके, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 1 नहीं है इसलिए इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है.